नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। इन दिनों बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर नेहा कक्कड़ को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। वजह है बॉलीवुड के जाने माने गीतकार संतोष आनंद को 5 लाख रुपए देना। इसी बात के चलते कुछ लोग नेहा को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हाल ही में ट्विटर पर कई लोगों ने नेहा कक्कड़ और इंडियन आइडल के मेकर्स को खरी खोटी सुनाई थी, वहीं अब नेहा कक्कड़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही जो कि फैंस को काफी हैरान करने वाली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेहा कक्कड़ को लेकर कुछ लोग इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने नेहा के शो को बॉयकॉट करने का मन बना लिया। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ लोगों का कहना है कि नेहा को शो से बाहर किया जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इस शो को नहीं देखेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है जिसके चलते नेहा कक्कड़ लोगों के गुस्से का शिकार हो रही। बता दें कि नेहा फिलहाल सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 को जज कर रही। वहीं इस शो में अक्सर फिल्मी दुनिया से जुड़ी हस्तियों को भी गेस्ट के तौर पर देखा जाता रहा है। हाल ही में इस शो के एपिसोड में मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्यारेलाल अपनी पत्नी के साथ मेहमान बनकर पहुंचे थे। साथ ही इसी एपिसोड में दिग्गज गीतकार संतोष आनंद को भी बुलाया गया था। यहाँ संतोष आनंद ने अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताई जिसने सभी की आंखों को नम कर दिया। इसी दौरान नेहा भी काफी इमोशनल हो गई और उन्होंने संतोष आनंद को 5 लाख रुपए मदद के तौर पर पेश किए, जिसे दिग्गज गीतकार ने ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि वो बहुत स्वाभिमानी। लेकिन नेहा के जोर देने पर उन्होंने ये पैसे स्वीकार कर लिए। अब संतोष आनंद की मदद करने पर जहां एक ओर लोग नेहा की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नेहा को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। लोगों का मानना है कि नेहा को स्टेज पर दुनिया के सामने खुद को महान दिखाने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्हें पैसे देने ही थे तो वो बैक स्टेज भी दे सकती थी। अब नेहा ने ये काम करके ठीक किया या नहीं, ये तो आप भी बताइए। लेकिन देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या नेहा इस शो से बाहर होती है या नहीं। वैसे आपको बता दें कि इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, मीडिया के गलियारों में ऐसी खबर वायरल हो रही। वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।